और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के अलवर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गो तस्कर मारा गया है। पुलिस के मुताबिक गाय से भरी एक टाटा 407 गाड़ी को रोके जाने पर गो तस्कर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में गो तस्कर मारा गया है, जबकि बाकी भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस की माने तो गो तस्करों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या जानकारी? नया आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने गो रक्षा पुलिस थाने का गठन किया है। गो रक्षा पुलिस क्या अलवर के इलाकों में रात भर गश्त देती है। इस दौरान एक 407 पिकअप होता है, उसको रोकने का प्रयास किया और रोकने का प्रयास किया तो उसने टक्कर मारी पुलिस की गाड़ी को। उसको लेकर रात्रि को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 3 जगहों पर फायरिंग हुई है पुलिस और गो तस्करों के बीच, जिसमें सुबह 4 बजे जो गाड़ी मिली है उसमें एक गो तस्कर था, उसकी उसका शव मिला है। पुलिस गोलियों से छलनी था और साथ ही 5 गाय बरामद की गई हैं जिसका मेडिकल कराया जा रहा है। तो रात भर जो अलवर के अलग अलग हिस्सों में गोलीबारी चली है उसको लेकर अपने आप में एक दहशत फैल गया शहर में कि किस तरह से गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रहा है। जाहिर सी बात है कि वो रात्रि का फायदा उठाकर निकल गए, जिसमें से 5 लोग बताया जा रहा है कि निकल गए हैं जो गोली चला रहे थे पुलिस पर, लेकिन एक का शव बरामद हुआ है, उसकी निशानदेही की जा रही है, उसके आधार पर बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस के लिए एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें गो तस्कर शामिल थे, 4 से 5 उनकी संख्या बताई जा रही है। और खासतौर पर राजस्थान में गो तस्करी पर पाबंदी जिस तरह से लगाई गई है, कई गो रक्षक सेल बनाए गए हैं, इसी के चलते ये ऑपरेशन और उसके बाद एक गो तस्कर इस ऑपरेशन में मारा गया। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।